प्रभु का जय गुरुदेव राम कृष्ण प्रभु का प्रभु का प्यारा नाम जय गुरुदेव सभी सत्संगी प्रेमी ध्यान से सुने आज की सेवा के पीछे रूमों पड़ी पड़ी कई दिनों से खुली पड़ी है जितनी महिलाएं बच्चे सभी मुंह परी में लगेंगे इकट्ठा करेंगे उसको ताकि इसमें दीमक न लगे। अब ये सूख गई है इसको तोड़ना है और बाकी जितने पुरुष हैं वो सब वहां चले और जो मैदान खाली पड़ा है जिसकी कटाई छटाई होनी है जितने पुरुष हैं सब वहां चलेंगे और महिलाएं और बच्चे यहाँ मूंगफली में सेवा करेंगे क्योंकि वो कटाई का काम है कांटे बहुत है इसलिए पुरुष वहां काम करेंगे महिलाएं इसमें काम नहीं कर पाएंगे पारा नहीं चला पाएंगे इसलिए वो लोग अपनी सेवा कुटी के पीछे जो मूंगफली खेत में पड़ी है उसको उठा कर जाएंगे। चलो प्रेमियो जल्दी बंद करो ये प्रवासी श्रमदान सेवा जो आपको आपके लिए अनिवार्य है इसी से आपकी बीमारी परेशानी दुख दर्द जाएंगे इसलिए सेवा में तत्काल आपको निकले सबको सुबह का जलपान नाश्ता वही मौके पर दिया जाएगा जहाँ सेवा लोग करेंगे वहीं नाश्ता पहुँचाएंगे बीच में किसी को नहीं देंगे आप क्योंकि इस भंडारे के प्रसाद का बड़ा महत्व है जब सेवा करने के बाद इस प्रसाद को आप ग्रहण करेंगे तो दवा का काम करेगा उससे आपको तरह तरह बीमारी परेशानी दूर दर्दों में लाभ मिलेगा भूत प्रेत में निजात मिलेगी ये तमाम तरह का लाभ परमार्थी सेवा में नहीं था इसलिए परमार्थी सेवा से वंचित करता हूँ तत्काल करो अपने अपने टेंट ग्राउंड के लिए उसे निकल कर इस सेवा में लग जाओ क्योंकि धूप हो जाएगी धूप में सेवा नहीं हो पाएगी तो जितने पुरुष है वो सब वहाँ चले खेत में और जो झाड़ी काड़ी उसको काटना है साफ करना है क्योंकि इसके बाद शाम को फिर सेवा करेगी तो सजो मैदान खाली हो जाएगा तब सेवा सही तरीके से हो पाएगी और बाकी जितने महिलाएं और बच्चे ये सब मूंगफली में काम करेंगे इसको तत्काल उठाओ क्योंकि ये तीन चार दिन से पड़ी है इनमें दीमक लग जाएगी अब सूख गई है नुकसान अपना न हो और शाम टाइम मिट्टी की सेवा मिट्टी की सेवा दोपहर में नहीं आप कर पाओगे धूप में और शाम को रखी जाएगी चार बजे से 10 बजे तक और सेवा चलेगी वहीं आपको वहाँ प्रसाद मिलेगा दोपहर का भोजन भी वहीं आपको मिलेगा जो प्रेमी वहाँ सेवा करेंगे उनको दोपहर का भोजन और शाम का भोजन ये सब व्यवस्था आपकी वहीं होगी इसलिए अभी ये मूंगफली का काम महिलाएं और बच्चे करें जल्दी से उसको उठा लो देखो काम प्रणाम से पूछ रहे हो आपसे कि कहाँ इसको डालना तो ये काम जल्दी से हो जाए ताकि अपनी मूंगफली न खराब हो और शाम को मिट्टी की सेवा ठंडे में आप करेंगे क्योंकि धूप में मिट्टी की सेवा नहीं हो पाती है तो पुरुष भाई चले जल्दी से वहाँ कटाई छटाई का काम करके मैदान खाली कर दें ताकि शाम को सेवा करने में सुविधा हो जाए जय गुरुदेव चलो प्रेमियो तत्काल चलो जल्दी से आपको सुबह का जलपान नाश्ता वहीं मिलेगा चलिए आप जल्दी से भंडार वाले यहाँ किसी को नाश्ता नहीं दे क्योंकि वहाँ प्रसाद है सेवा करके लाभ मिलेगा ऐसे कोई लाभ मिलने वाला नहीं आप बात को समझते नहीं हो और लाभ से वंचित रह जाते हो अगर बीमार
तकलीफ दूर करना है, भूत प्रेतों से निजात लेनी है, तो सेवा करके ही ये भंडारी का प्रसाद ग्रहण करो तो उसका लाभ मिलेगा, नहीं तो आप पर कर्म कर जा चढ़ जाएगा, उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। चलो प्रेमी तत्काल लेनी चलो, ये बड़े भाग से मिलती है गुरु भक्तों के जागे भाग जिन्हें गुरु सेवा मिली। कितना बड़ा भाग आपका है जो भजन से लाभ मिलता था आज परवर्ती सेवा से मिल रहा है, इससे सरल और क्या हो सकता। भजन तुम्हारे उसका नहीं है, ये सब देव करके परवर्ती सेवा के लिए रखी गई है। तत्काल चलिए आप, ये सेवा हिंदुस्तान में कहीं कोई नहीं करा रहा, क्योंकि जब तक सर्व महापुरुषों के परवर्ती वचन नहीं सुनोगे परवर्ती सेवा के बारे में आपको कोई लाभ की जानकारी नहीं होगी। इससे क्या लाभ है, तरह तरह के लाभ है, वो कैसे लिए जाए, कैसे मिलेंगे, इसके लिए सब ये परमात्मा सेवा आपके लिए रखी गई। चलो प्रेमियों जल्दी चलो, मैं भी वही रहूंगा कल की तरह, देखो आप प्रेमी कैसी सेवा करता। जय गुरुदेव। चलो पुरुष स्वरूप चले कटाई का काम करे, और इधर महिलाएं और बच्चे एक पीछे जो कुटी के पीछे मूंगफली खेत में पड़ी है इसको उठाके ले आना है, क्योंकि इसको तोड़ना है, तोड़ करके सब इकट्ठी कर लो और शाम को आपसे परमाची सम्मान की सेवा चलेगी, उसमें आप लोग सेवा करें तो दोनों काम आपके हो जाए, इधर ये भी और उधर यानी शाम को आपको परमाची सेवा मिल जाए। शाम को जब मौसम ठंडा हो जाएगा तब मिट्टी की सेवा चलेगी 4 बजे से। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। राम सेवक जी आप पुरुषों को लेकर तत्काल आपको मैदान को साफ करा दो जल्दी से, ये काटने वाली झाड़ी काट पीट के इकट्ठी कर दो, और ट्रैक्टर से जो सूखा पड़ा उसको ले आओ, वो साफ मैदान खाली करो ताकि मिट्टी डालने में ट्रैक्टर चलाने में सुविधा हो जाए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। चलो प्रेमियों जल्दी चलो, ये सेवा मैदान यही करने ठंडे में, बहुत अच्छा मौका आपको मिल गया, कहीं जाना नहीं है, कुटी के पीछे खेत पे मूंगफली पड़ी उसको उठा के ले आना और धीरे धीरे बैठ कर उसको छोड़ो, ये बहुत सरल सेवा है। जितने वृद्ध हैं जो मतलब फाड़ा नहीं चला सकते हैं वो अपनी सेवा यही रखेंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। चलो प्रेमियों निकलो जल्दी अपने टेंट ग्राउंडेड से, कोई टेंट ग्राउंडेड रूम में नहीं रहेगा, सेवा में चलो, बड़ा मौका मिलेगा अच्छा, ये भी आपके अंश से निकल जाएगा, आगे बड़ा कार्यक्रम है, तब ज्यादा लोग आ जाएंगे फिर आपको सेवा नहीं मिल पाएगी, इसलिए इस सेवा का लाभ उठाइए। चलो प्रेमियों जल्दी चलो, देर मत करो, तत्काल अपनी सेवा में लग जाओ, धूप होते होते आपकी सेवा हो जाए तो अच्छा रहेगा, और बाद में शाम को 4 बजे मिट्टी की सेवा चलेगी, वहां तो आपको लाभ मिलेगा ही, और वही आपको रात्रि का भोजन मिलेगा, भोजन के बाद 1 घंटा आपको शाम को सेवा करनी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। राम सेवक जी तत्काल प्रेमियों को लेकर आप खेत में पहुंचे और कटाई छटाई का काम ठंडे में कराओ, दोपहर में जाएंगे फिर आप कर नहीं पाओगे, तो इसलिए अभी सेवा करो, दोपहर को भोजन करके वहीं आराम करो, 4 बजे से मिट्टी सेवा करिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जोर से बोलो जय गुरुदेव, शामिल बोलो जय गुरुदेव, बोलना होगा जय गुरुदेव, अभी से बोले जय गुरुदेव, दर्द हरेंगे जय गुरुदेव, सब कष्ट मिटेंगे जय गुरुदेव, शांति मिलेंगे जय गुरुदेव, सबके
सबके दाता जय गुरुदेव सबके मालिक जय गुरुदेव प्रेम से बोले जय गुरुदेव नाम नहीं इंसान का यह नाम है प्रभु का काम नहीं इंसान का यह काम है प्रभु का हमेशा ध्यान में रखिए जो आप सेवा कर रहे हैं ये हिंदुस्तान में कोई नहीं और कहीं नहीं किसी भी मिशन में परमात्मा की सेवा नहीं होती किसी भी विभाग में चले जाओ तो सेवा से समस्या बनती है ये परमात्मा की सेवा है जो आप सब शरीर से करते हैं शरीर से पसीना निकलता है ये समझो तुम्हारे शरीर की बीमारी ये निकल रही है ये बीमारी निकल जाए आपकी परेशानी निकल जाए आप सेवा सुचारू रूप से कर सके तो जब शरीर से सेवा करोगे तो शरीर के कष्ट शरीर की मुसीबत शरीर की बीमारियां तरह-तरह की ये सब चली जाएंगी चलो प्रेमियों जल्दी चलो देर करने की जरूरत नहीं है फिर दूर हो जाएगी फिर आपसे सेवा नहीं हो पाएगी जितनी महिलाएं हैं और बच्चे सब यहाँ लगे मूंगफली खेत में कुछ उठा के ले आए कुछ थोड़े बैठ कर चलो जल्दी चलो प्रेमियों राम सेवक जी जहाँ गई हो और प्रेमियों को लेकर खेत में पहुंचे ताकि सेवा ठंडे में हो जाए दूर में नहीं हो पाए जय गुरुदेव ये मूंगफली का गेट पीछे कुटी गए कहीं आपको जाना नहीं है पर से उसी में लग जाओ और ये ठंडे ठंडे उसको सब निकाल बाहर करके बैठ के तोड़ दो जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव चलो 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 प्रभु जल्दी से बड़े भाग्य सेवाएं होती है ये सबको नसीब नहीं होती जिन प्रेमियों के ऊंचे किस्म के भाग हैं उन्हीं को परमार्थी सेवा का अवसर मिलता है उन्हीं को इसका लाभ मिलता है बाकी सब देखते ताकते रह जाते उन्हें मालूम नहीं है ये सेवाएं क्यों रखी गई अगर आप भजन कर लेते तो किस सेवा की जरूरत नहीं भजन वाला लाभ अगर परमार्थी सेवा से मिल जाए इससे सरल आपके लिए क्या हो सकता है क्या इससे सरल किया जाए चलो आप लोग जल्दी चलो भंडार वाले जलपान वहीं पहुंचाएंगे जहां सेवा होती है इसका बराबर ध्यान रखिए ताकि सेवा का लाभ सबको मिल सके भंडारे के प्रसाद का लाभ सबको सेवा करके मिल सके इस बात का हमेशा ध्यान रखा जय गुरुदेव चलो प्रेमियों जल्दी चलो ये सत्कार ये कभी सेवा हिंदुस्तान में किसी ने नहीं दी इतना बड़ा लाभ आपको मिलने जा रहा है और इससे लोग समझ नहीं पाएंगे देखते रह जाएंगे सुनते रह जाएंगे और लाभ से वंचित रह जाएंगे और आप इसका लाभ उठा लीजिए आपके लिए मौका अवसर अच्छा मिला है इस परमात्मा की सेवा का लाभ हर प्रेमी को लेना चाहिए जय गुरुदेव अगर बीमारी परेशानी दुख तकलीफों से भूत प्रेतों से अगर आपको लाभ मिलना है लेना है तो ये परमात्मा की सेवा का सिवा दूसरी कोई दवा नहीं बनी ये दवा ही है जो आपके शरीर को साफ करेगी किए गए पाप कर्मों से माफी दिलाएगी एक तरह का नहीं कई तरीकों का लाभ है इसको इसलिए इसको रखा गया जय गुरु खजाना भी घंटा नहीं कर सकते हो और सेवा तीन घंटे कर दीजिए कैसा सोच विचार कर आपके लिए सेवाओं का अवसर रखा गया चलो कुछ न कुछ जीवों को लाभ मिल जाए तो सरल उपाय कोई न कोई सोच के रखा जाए ताकि सब प्रेमी इस सेवा का लाभ ले सके जय गुरु इसीलिए सबको बुला लिया सदगुरु धाम से भी प्रेमियों को बुला लिया गया दयाल आश्रम से भी प्रेमियों को बुला लिया गया
कि सब लोग इस परमात्मा की सेवा का लाभ उठा ले। आगे जो कार्यक्रम कार्तिक पूर्णिमा का होना उसमें तो भारी भीड़ होगी, भोग भोजन में तब आपको सेवा नहीं मिल पाएगी, इसलिए आप इसका लाभ उठा लो। चलो प्रेम योजन से जय गुरुदेव जय गुरुदेव। भोग पूजा भोग पूजन का कार्यक्रम आश्रम में होगा और लोग पूजा करेंगे और सेवा यही करेंगे, सेवा का काम ही और कहीं देखा जाएगा, जरूर समझी जाएगी तो आपके लिए आदेश कर दिया जाएगा। आपको सेवा की हमेशा तलाश रखनी चाहिए और आपके अंदर ये इच्छा होनी चाहिए कि हमको कब सेवा मिले। सेवा से बढ़कर कलयुग में दूसरी कोई साधना नहीं, ये तपस्या भी है आपकी और सेवा भी है और भजन के बराबर इसका लाभ भी है। देखिए कलयुग में कैसी तपस्या जो धूप में बरसात में गर्मी में आपके लिए रख दी गई और तपस्या का लाभ आप लोग उठा लीजिए। इसके लिए तो आपको आप यहाँ आए हो घर बार गृहस्थी परिवार बच्चे छोड़कर, तो आपको इस सेवा का लाभ देना चाहिए। चलो प्रेमियों जल्दी अपने से निकलकर तत्काल इस सेवा में लग जाओ ताकि धूप होते होते आपकी सेवा पूरी हो जाए। पुरुष सब चलेंगे वहां खेत, पुरुषों को खेत पे जाना और जितने वृद्ध कमजोर हैं जो खेत में काम नहीं कर सकते वो पुरुष भी यहाँ अपना काम छोड़ मूंगफली छोड़ने का करेंगे। ये तो बहुत सरल सेवा। जय गुरुदेव जय गुरुदेव। लग जाओ अपनी अपनी सेवा में, अब देर करने की जरूरत नहीं है, मैं भी वहीं रहूंगा कल की तरह, वहीं बैठूंगा आपके साथ रहूंगा और शाम को आपको यानी मतलब आपके साथ मिलूंगा। ये तो सब काम आपको मौके पर होगा ताकि उसका लाभ सबको मिल सके। जय जो लोग कोई सेवा नहीं करते उनको कोई लाभ नहीं है, ऐसे आने देने का यहाँ कोई लाभ नहीं है, बल्कि भंडारे के रोटी का कर्जा लाद के आप चले जाएंगे। पहले से इतना कर्जा लादे बैठे हो वो तो आपने उतारा नहीं और ये नया निश्चित लाद लो। ये जितने भी इधर उधर घूमते रहते हो इनको बहुत भारी नुकसान होगा, इनको पछताना रोना पड़ेगा क्योंकि इस समय को जरूरी है। परमार्थी सेवा रोज नहीं मिलेगी आपको, रोटी का कोई लाभ नहीं है, बल्कि रोटी का कर्जा बन जाएगा। भंडारे की रोटी बहुत कठिन है, इसलिए धूप में तपस्या करके पसीना निकाल कर जब इस भंडारे के महाप्रसाद को खाओगे तो ये दवा का काम करेगा, तमाम तरह के कर्जे को उतारेगा। क्योंकि ये जो सेवा आप करेंगे आगे इस पर क्या होगा, कैसी व्यवस्था बनेगी, आने वाले कितने लाख लोगों को इसका लाभ मिलेगा, ये आपकी परमार्थी सेवा जो लाखों लोगों को लाभ देगी, यही तो आपको समझना चाहिए। ऐसे तो आप लाभ नहीं दे सकते और ये लाभ आपका कितना बड़ा, तो कोई प्रेमी बैठेगा नहीं, मैंने सबको बुला लिया, किसी को इस समय कोई सेवा नहीं है। दो चार दिन जब तक वो खेत का काम नहीं हो जाना तब तक कोई अनुसेवा नहीं है, सबको बुला लिया। सबको धाम में भंडारे में उनका ताला डाल दो, बंद कर दो, जो लोग रहेंगे अपने बनाए खाएंगे, तो चार लोग जो देखभाल के लिए, बाकी सब लोग यहाँ आ जाओ और परमार्थी सेवा का लाभ उठाओ। जय गुरुदेव जय गुरुदेव। चलो आप लोग चलो, मैं भी पूछूंगा, ऐसा नहीं मैं तो आपके साथी रहूंगा, इधर उधर करेंगे वही बैठ के देखूंगा कि आप लोग किस तरह की सेवा करते हो। मैं तो बुढ़ा हो गया हूँ नहीं सेवा कर पाऊंगा, लेकिन आपको तो सेवा करा के लाभ आपको दिलाई दूंगा, इतना तो काम आपका कर ही दूंगा। लेकिन जब आप सेवा करने के लिए तैयार हो गए तो हर तरह का लाभ मिल जाएगा, बिना सेवा के कलयुग में कोई लाभ नहीं है, इसका बराबर ध्यान रखिए। और ये कहीं नहीं कोई रखेगा, कहीं आप चले जाओ किसी मिशन में
ये सेवा केवल आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि सेवा का लाभ किसी को मालूम नहीं है कि परमार्थी सम्मान सेवा किसे कहते हैं, परमार्थी सम्मान सेवा का किस तरीकों का लाभ है, कौन कौन से लाभ मिलते हैं। ये तो आपको जब संतों के परमार्थी वचन सुनोगे तब आपकी समझ में आएगा, तब इसका लाभ आप करके प्राप्त कर सकते हो। चलो प्रेमियों जय नहीं रुकवा दिया जाता है 12:30 बजे तब तक सब रुकवा दिए जाते हैं, कहा गया कि खड़े कर दो सब छाए नहीं, अभी 4 बजे जो है 4:15 बजे चालू कराए हैं। बाबा जी जैसे हम लोग घर जाना चाहते हैं।
गुरुदेव नाम प्रभु का जय गुरुदेव प्रभु का नाम जय गुरुदेव नाम प्रभु का दान दिल में प्रभु जय गुरुदेव जय गुरुदेव Thank you.
Yeah.